टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3-10% तक का इजाफा किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुक्तो विधानसभा सीट से निर्विरोध जीतने की संभावना है। इसके साथ ही वह राज्य में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट शामिल हो जाएंगी। महाराष्ट्र के अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा कि मैंने पिछले 5 वर्षों से एनडीए के घटक दल के रूप में जिन्हें नेता माना है उनके आदर्शों पर 12-13 वर्षों से कार्य कर रही हूं। नेताओं ने कल फैसला करके अमरावती से मेरी उम्मीदवारी जाहिर की है। मैंने कल मोदी जी को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं है, वे केवल मोदी जी को अपशब्द कहने के लिए एक साथ आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि वो कथित शराब घोटाले के पैसों की जानकारी देंगे। अफगानिस्तान में आज एक बार फिर भूकंप आया है। आज सुबह 5:44 पर 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह मामले में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 8वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। निर्मला राज्यसभा सांसद है और बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कई राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में असीउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। इससे पहले बीबीए ने सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने से एमपीए से गठबंधन तोड़ दिया था। शिवसेना नेता विजय शिवतारे ने ऐलान किया है कि वो बारामती से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट अजीत पवार गुट को मिली है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने उनसे चर्चा की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ की 5 सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और इन 5 सीट के लिए 183 उम्मीदवारों ने कुल 229 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। शिवसेना शिंदे 14 और एनसीपी अजीत पवार 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमवीए के अंतर्गत शिवसेना कुल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, लेकिन 5 पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। फिल्म स्टार गोविंदा के मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की पार्टियों द्वारा अलग अलग उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन के बने रहने पर सवालिया निशान लग गया है। अब एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के नेता शरद पवार ने अलग अलग उम्मीदवारों के ऐलान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। आज 28 मार्च को वित्त वर्ष 2023 और 24 का भारतीय शेयर बाजार का आखिरी कारोबार दिन है, क्योंकि कल 29 मार्च शुक्रवार को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में स्टॉक मार्केट में अवकाश है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।